हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो नई यूजीसी की गाइडलाइन आई है, जिसके तहत अब आप एक साथ दो एकेडमिक प्रोग्राम्स को, दो डिग्रीज को आप कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है। एनईपी 2020 में इसके बारे में सबसे पहली बार बात की गई थी और अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका लिंक भी नीचे इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहां से आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब समझ लेते हैं ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक से ज़्यादा प्रोग्राम करना चाहते हैं, वेट नहीं करना चाहते कि पहले ये ख़त्म करेंगे फिर दूसरा करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो ये रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में नए नए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग पे लेके आ रहे हैं, ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। और अगर आप रेगुलर कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन वाला नहीं कर पाते हैं, दूसरा कोर्स नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट चला जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी एनईपी 2020 में बात हुई थी। डिमांड बढ़ रही है हायर एजुकेशन की, लोग और कोर्स करना, आप अपना रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मुझे प्रोफेशनल एक नया कोई सब्जेक्ट है, किसी एक फील्ड में ये सब्जेक्ट है, मुझे ये करना चाहिए साथ साथ जस्ट बूस्ट अप माई नॉलेज, आप नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल होगा आपके लिए। बिकॉज ये एक समय की नीड है जिसको यूजीसी ने आइडेंटिफाई किया है और एनईपी 2020 में भी था। तो अब जान लेते हैं ये पांच इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, बिकॉज इस गाइडलाइंस के बेसिस पर ही आप ये डिसाइड करोगे कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, क्या करना है। तो सबसे पहली बात, एज ए स्टूडेंट आप दो फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स कर सकते हो फिजिकल मोड में, लेकिन सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपकी क्लास टाइमिंग अलग अलग होंगे। जैसे अगर एक एक इंस्टीट्यूशन में आप मॉर्निंग का करते हैं, एक में आप इवनिंग का करते हैं, पॉसिबल होगा आपके लिए, तो आप दो फुल टाइम प्रोग्राम फिजिकल मोड में कर सकते हैं, पहले पॉसिबल नहीं था। ये पहली गाइडलाइन है। दूसरी गाइडलाइन, आप दो एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो एक फिजिकल मोड पे कर लीजिए, दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड पे कर लीजिए या ऑनलाइन मोड पे कर लीजिए, नहीं तो आप दोनों के दोनों प्रोग्राम्स को ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हैं या ODL मोड पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको फ्रीडम है कि फिजिकल मोड ऑफलाइन मोड में नहीं करना, आप दोनों के दोनों प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो। तीसरी गाइडलाइन ये कहती है कि आप ऑनलाइन करें या ODL करें, विच इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसमें आपको ध्यान ये देना पड़ेगा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है HE, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये रेकग्नाइज होने चाहिए UGC की तरफ से या जो स्टेट्यूटरी काउंसिल्स हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अगर रेकग्नाइज नहीं है तो आपके इस पूरे प्रोग्राम जो भी आप करेंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। चौथी गाइडलाइन ये है कि जो प्रोग्राम डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम, जो नई गाइडलाइंस आप देख रहे हैं, इन गाइडलाइंस के तहत जो भी इसको ऑर्गेनाइज, जो भी इसको ऑफर करेगा, ये सारी रेगुलेशंस UGC द्वारा दी जा रही हैं, नोटिफाई की जा रही हैं, और रिस्पेक्टिव स्टेट्यूटरी और प्रोफेशनल काउंसिल्स जो होंगे वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एडमिशंस दिए जाएंगे। पांचवी गाइडलाइन जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, इसमें कोई रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आज से 3 साल पहले ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं कि दो डिग्री हम लेके बैठे हैं एक साथ तो अब तो उनको वैलिड हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव कुछ भी नहीं है। जिन स्टूडेंट ने पहले कर लिया वो माना नहीं जाएगा। ये अब से अप्लीकेबल है। अब जब नोटिफिकेशन आ गया, ये अब से अप्लीकेबल है। सो दिस इज नॉट रेट्रोस्पेक्ट बेनिफिट, इसमें कोई भी नहीं मिलेगा। और ये जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को होने वाला है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सारी गाइडलाइन एप्लीकेबल होंगी स्टूडेंट्स को जो PhD नहीं कर रहे हैं, यानी कि अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो PhD में इसका कोई भी बेनिफिट, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप दो PhD नहीं कर सकते, आप एक PhD एक रेगुलर कोर्स, एक ODL ऑनलाइन फॉर्म में भी नहीं कर सकते। अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप सिर्फ PhD ही कीजिए। सो आई होप आपको इस पॉलिसी के बारे में और जानकारी मिली होगी इस वीडियो के द्वारा। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है, लिंक नीचे दिया हुआ है। कोई भी सवाल आपका जुड़ा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से,
आप हमसे पूछें, आप कमेंट करें, हम वापस आपको कमेंट करेंगे। अगर कोई क्वेरी ज़्यादा आई और हम कमेंट नहीं कर सकते तो हम एक पूरा वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपके पास। ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसको आप अच्छे से समझें और बिल्कुल आगे बढ़ें, और दो प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।